बात चले कि 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, इस तरह से एक संभावना जरूर जताई जा रही है। लेकिन आप देखिए किस तरह से ये पूरा दौरा यहां पर रहने वाला है, बड़ी अपडेट के आपके सामने, क्योंकि जम्मू में एक विशाल रैली को भी संबोधित कर सकते हैं और बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले 2 की बजाय 3 सीटों पर भाजपा की पूरी तरह से नजर यहां पर बनी हुई है। अब देखना ही होगा कि समीकरण क्या कुछ यहां पर कहते हैं। लगातार आप देखिए 2024 को मद्देनजर रखते हुए चुनावों को लेकर हर एक पार्टी अपनी पूरी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। 2014 से 2019 में लगातार यहां 2 बार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है और इस बार बीजेपी की नजर तीसरी सीट यानी कि अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट पर बताई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में वोट बैंक बटोरने की बात कही गई है। पहाड़ी वोटर्स को साधने की कोशिश होगी, लेकिन उस बीच में किस तरह से ये पूरा माहौल रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपको बताते चले कि ग्राफिक्स के जरिए जल्दी जल्दी से आपको समझा देंगे कि किस तरह से समीकरण आज का यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख लोकसभा की 6 सीटें हैं अगर मिलाकर देखा जाए, जिनमें से 3 बीजेपी 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं और इसी पर ये पूरा खेल होगा। लोगों से अगर बात की जाए तो उनके अनुसार किस तरह से आंकड़ा सामने रखा गया वो आपके सामने रखना जरूर चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए वोट शेयर की बात करें तो 50% वोट जो है वो बीजेपी के पास है, 2 सीटें यहाँ कांग्रेस पार्टी के पास तो बात बताई नहीं जा रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जरूर है। तो लोगों के मुताबिक आप देखिए कांग्रेस यहाँ पर खाता पूरी तरह से नहीं खोल पा रही है, लेकिन उस बीच में यहाँ कश्मीर में किस तरह से अब सूरत हाल रहेंगे ये आप देखेंगे, क्योंकि वोट शेयर को लेकर ही सारी कहानी बनती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 10% वोट शेयर जरूर पड़ रहा है, लेकिन किस तरह से अब अन्य के खाते में 12% वोट जाने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग की जो सीटें हैं इस पर भी नजर, और साथ ही साथ बता चले कि लगातार आप देखिए किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीतकर यहां पर सामने आए थे, जबकि जम्मू, उधमपुर और लद्दाख सीट पर बीजेपी पूरी तरह से काबिज है। तो इसलिए महत्वपूर्ण इस बार का चुनाव है, काफी तरीके से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अन्य के खाते में 12% वोट जाने का आसार जो है वो बताया गया है। डीपीएपी के पास भी आप देखिए 7% वोट आने की बात कही गई है। कांग्रेस के खाते में 10% वोट शेयर जो है वो यहाँ पर आ सकता है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त कांग्रेस पार्टी से नम्रता शर्मा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत। यासिर खान हमारे साथ अपनी पार्टी से, आपका भी स्वागत। आदित्य गुप्ता ने हमारे साथ पीडीपी पार्टी से ज्वाइन किया है और आरएस पठानी हमारे साथ बीजेपी पार्टी से है, आपका भी स्वागत। नम्रता जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। लगातार आपने समीकरण देख लिए कि किस तरह से बन रहे हैं, लोगों की तरफ से जो एग्जिट पोल एज यहाँ पर सामने रखा गया है किस तरह से उसे देख रही हैं? सबसे पहले तो आपके संवाददाता ने जिस तरह से डिटेल में बात करी कि किस तरह से ऑपोजिशन के ऊपर बराबर हमले किए जा रहे हैं, 95% ईडी की रेड्स हैं वो ऑपोजिशन के ऊपर हुई हैं और वो दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि वो हमारे एनडीए के पाले में आ जाएं, ये बार बार देखा गया। और जिस तरह से नीतीश कुमार के जाने के बाद तेजस्वी यादव पे रेड होना ईडी की और लालू यादव पे रेड होना, उसके बाद आज फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, ये आज जो मीडिया के माध्यम से और विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से ये साफ जाहिर है कि किसी ना किसी बड़े लीडर की इन्होंने जरूर अभी विपक्षी पार्टियों पर हमला किया जा रहा है, आरोप है ये जो पैरेट एजेंसीज हैं इनकी। जी यासमीन, सबसे पहले तो मुबारक की बात है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आगे एक मल्टी करोड़ जो प्रोजेक्ट्स थे जो भारत सरकार का एक ब्रेन चाइल्ड है और बड़े दिनों से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसका बेसब्री से इंतजार था, आज उनका श्री गणेश उन सबका फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री जी करेंगे और बड़े रोजगार मेले को भी वो एड्रेस करेंगे। जहां रियासी का पुल है, जहां एम्स है, या जहां देविका वाला या आईएम आईआईटी वाले जो मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबको ये जम्मू कश्मीर को वो डेडिकेट करेंगे, स्वागत देंगे, इस सबके लिए वेलकम होना चाहिए। जहां तक हमारी बहन ईडी की बात कर रही है, आप सबके ध्यान में रहेगी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सरकार से आने से पहले का। इस घोटाले को लेके अब हम हर एक घोटाले में हमें कवर ले लें और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी संसद में भी रखा गया है कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस जिसमें अपोजिशन के लोग जो लिप्त है वो वर्ष 2014 से पहले रजिस्टर किए। जो जी एक चीज है कि जहां पर फारूक साहब की आपने बात किया उसका जवाब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही स्पोक्सपर्सन या नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जवाब दे सकती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री साहब जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, पहली बात यह है कि मैं उनको इस वक्त एज ए पार्टी नहीं लूंगा क्योंकि वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं
और वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, हमें खुशी है कि वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वो किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी फिक्स करना, जिसने जिसने कुछ किया नहीं उसको डर किस बात का है, दूध का दूध और पानी का पानी हो, हर एक चीज बहुत अच्छे से जवाब हो गया। जिसने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर नहीं होना चाहिए। यासिर जी बात जी, मैं वो कह रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, हमें उसके उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं, देखिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए जो उनके दौर में या कुछ पहले स्टार्ट हुए, IIM हो गया, एम्स हो गया, इस तरह की इनॉग्रेशन हो रही है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी एक चीज़ है, जो काफ़ी अरसे से जो OBC जो लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिली थी उनका हक उनको मिला, पहाड़ियों को उनको ST दिया गया। हमारा कंसर्न बतौर जम्मू कश्मीर सिटीजन ये है उनसे कि वो यहाँ पर आके एक चीज़ का एड्रेस करें कि जम्मू कश्मीर की जो इंतजामिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा रिश्वत बढ़ गई है और यहाँ पर कोई सुनवाई पब्लिक की, आवाम की, आम आदमी की उन तक एक्सेस नहीं है। आदित्य जी देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करने के लिए, तो वो वैसे भी हर सारे ही प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर का BJP कैडर कैन बी एक्साइटेड। बट हम नॉर्मल रूटीन में देखते हैं, जैसे कल परसों ही देखा था एक बुक फेयर इनॉग्रेट करना था श्री देवेंद्र प्रधान ने, लेकिन फोटो लगाई थी प्रधानमंत्री मोदी की। तो इनॉग्रेशन होना ना होना तो एक पार्ट है, बट ये प्रोजेक्ट जितने भी हैं ये सब प्रोजेक्ट्स बेशक जम्मू कश्मीर को डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या चीज़ हो रही है वो चीज़ जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि जो आज के ज़माने में और आज के वक्त में जो जरूरत है जम्मू कश्मीर में वो ये है कि 6,61,000 बेरोजगार जो युवक है, जिसमें से 33% वो है युवक है जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके लिए नौकरी का अवसर देखा जाए। ठीक है, पठानिया जी जवाब दीजिए, रोजगार को लेकर वो बात कर रहे हैं। जी आदित्य जी ने एक अच्छा विषय लिया है, एंड दिस इज अ डिबेटेबल इशू, देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी और जम्मू कश्मीर स्तर पे भी सरकार के लिए चैलेंज है। लेकिन आप सबके ध्यान में ले आऊं कि 40,000 के पास पास, ये मैं नहीं कहता आंकड़े कहते हैं जो लोकसभा में सरकार ने पेश किए हैं, 40,000 के पास पास सरकारी नौकरी बड़े क्वाइटली, बड़ी शांति के साथ और बड़ी तेजी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई है। इन सब के साथ साथ 61,000 लोगों को मिशन यूथ के साथ जोड़ के एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक नया जो प्रावधान, एक विंडो जम्मू कश्मीर में लोगों को देने की बात की गई है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जिसका भी रिजल्ट भी आप है, अभी सिर्फ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ही आई है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बूम होगा। जब देखिए जिस तरह से आंकड़े पठानिया पार्टी कहती है, कोविड से पहले प्री पेंडेमिक एक इन्होंने ही एक सरकारी एजेंसी ने एक पठानिया जी ठीक है वो हमें 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। ठीक है, बहुत अच्छे से दे इशू है। नम्रता जी अपनी बात रखिए जल्दी। प्री पेंडेमिक एक सरकारी एजेंसी ने ही आवाज की है, इससे पता चला कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। उसके बाद उन्होंने वो उसके ऊपर ऑडिट करना ही बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको आज ये कहना चाहती हूँ कि 2 करोड़ रोजगार का जो वादा हर वर्ष किया गया था उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर के कोटे में भी 20 लाख नौकरियां तो आती थी, कहाँ है वो? ये सिर्फ जुमले। और कहाँ है आज जिस तरह से ये मनमानी करके, आज आप देखिए देश के किसान जो आज दिल्ली जाना चाहते हैं, अनाउंसमेंट खट्टर सरकार करती है ऑन द पुलिस मैन कि कोई भी अगर जाएगा उसमें तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से कृषि के जो किसान है उनके प्रति इनकी ये समस्या है। किसी भी हस्तक्षेप में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को दबाना चाहती है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे वो बेरोजगारी युवा। एक चीज तो है कि ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो काफी अरसे से बंद पड़ी थी, कुछ शायद चल रही है। तो अगर जो अपने कह रहे हैं पठानिया साहब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर वाकई ही ये इंडस्ट्री खुली है तो हमें तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेरोजगार तबका है इसको नौजवान जो इधर उधर की ठोकरें खा रहा है, कम से कम वो कहीं ना कहीं एकोमोडेट होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा जो अभी तक नौजवान है वो दारोमदार करता है सरकारी नौकरी पर। तो हम चाहते हैं कि आपके जो आपकी जो सरकार में जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हैं उनको वैकेंसीज को स्पीड ऑन किया जाए और फिलअप किया जाए। देखें ऐसा है, पठानिया साहब ने बोला 40,000 नौकरियां बड़े शांतिपूर्वक, नहीं सर, JKPSI स्कैम भी इसी में ही हुआ है, एपटेक स्कैंडल भी इसी में ही हुआ है सर। वो आप कैसे भूल गए? आप कैसे भूल गए कि इतनी शांति से निकले नहीं थे? आप कैसे भूल गए कि इतनी शांति से नहीं निकले थे? लड़के सड़कों पे थे, उसमें आपके पार्टी प्रेसिडेंट को उन्होंने घेराव किया था और वहां पर उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी थी JKPSI स्कैम में। उसकी प्रोसेस पूरी चलती 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 आपने 3 साल के बाद खत्म किया। कितने लोग कितने सालों तक सफर करते रहे? और जस्ट बिकॉज क्योंकि LG एडमिनिस्ट्रेशन ये बात मानने को ये इस बात को छुपाने में तैयार थी। आपकी बात ठीक है, ठीक है। आई डोंट वांट टू जॉइन द इशू विद यू,
ये दो एक ऐसे केसेस थे, बल्कि तीन की बात लेके चलें कि जिसमें अनियमितता प्राइमरी फेसी देखने को मिली थी। बट जहां भी छोटा सा मसला होता है तो कभी कहते हैं स्पेशल टीम, कभी जुडिशियल, लेकिन सीबीआई हमेशा भारत में पॉलिटिशियंस का, सोशल वर्कर्स का एक 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 मेमोरेबल एपिथेट, उनके मुंह पर तकिए कलाम कहता है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पठानिया जी जुड़ने के लिए। नम्रता जी आपका भी धन्यवाद, यासिर जी आपका भी धन्यवाद और आदित्य जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चले कि 20 फरवरी को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, लेकिन कौन से बड़े यहां पर ऐलान हो सकते हैं इस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे दौरे को देखा जा रहा है। और जब अपना संबोधन देते हैं तो किस तरह से रहेगा, लेकिन वोट शेयर क्या कुछ रहा वो भी आपके सामने रखा गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से हालात जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों के दौरान बनेंगे। आप देखते रहिए कार्यक्रम।